देखो जी, मजबूरी मैं इस लाइन में आया हूँ। मैं तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा है इस लाइन में। मैं शायद एकमात्र स्टूडेंट होऊंगा जो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन 11वीं पास होने के बावजूद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। 29 जून को मुझे 42 इयर्स हो जाएंगे स्ट्रगल करते हुए। लाइफ ने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं तू एक्टर ही है, एक्टर होके पैसे नहीं आ रहे तो अच्छा तू ऐसा करते हो तो चार गाने गा दे तो किचन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा, अच्छा एक्टर है तो कुछ लिख दे वो ही आ गया, कुछ कर दे कुछ ये आ गया, अच्छा तू रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम कर दे यही आ गया। तो जो भी मुझे मिला तो हर तरह के पानी में अपना हाथ धोते हुए मैं आपके सामने हूँ। आज मेरे नाल जुड़ रहे ने इंडियन बॉलीवुड फेमस एक्टर सिंगर डायरेक्टर मिस्टर अनु कपूर जी। वेलकम टू यू के अनु जी। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड इट्स प्लेजर टू मीट यू एज वेल इन यूके। सो अनु जी, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, जिस तरह 7 जून नू तुहाडी जिहड़ी फिल्म हैगी है हमारा 12, वह जिहड़ी फिल्म है रिलीज़ की जा रही है, वर्सटाइल परफॉर्मर हैगे हो, सो तुहाडा इस फिल्म दे विच की रोल हैगा है? जिन्नी भी गालियां पढ़न दी उम्मीद हैगी ते पब्लिक ते जुत्ते दे पब्लिक ते चुमियां शायद मैनू मिल जावेंगे। एक्टर दी लाइफ जिहड़ी होती है ना, कलाकार दी जिहड़ी लाइफ होंदी ने, उहनू तैयार रहना चाहीदा है तालियां ते गालियां वास्ते। हाँ जी, दोनों हाल च ना तुसी वाहेगुरु नू याद करो कि गालियां भी वाहेगुरु तुसी दे रहे हो ते तालियां भी तुहाडी मिल रही हैं। हाँ, तुसी अपना कृष्ण भी यही बोलते हैं और हर मज़हब के अंदर शायद यही बोला गया है कि जो मिल रहा है, अगर सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है तो प्यार भी परमात्मा का बनाया है और नफरत भी परमात्मा की बनाई हुई है। जो कुछ अगर अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ने गोरे को भी बनाया, अल्लाह ने काले को भी बनाया है। तो काले को गोरा बनाने की ख्वाहिश और गोरे को काला बनाने की ख्वाहिश, जब सब कुछ उसी ने बनाया है तो मैं आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश भी क्यों कर रहा हूँ। ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात है हमारी फिल्म जिसका नाम है हमारे 12। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्री कमल चंद्रा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है श्री बीरेंद्र भगत, श्री संजय नागपाल और श्री शिव बालक सिंह ने। एक और पार्टनर भी हैं लेकिन वो इंडिया में हैं, जो अभी सामने यहाँ पर हैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो ये फिल्म अपने आप में बहुत सारे इश्यूज के साथ डील करती है, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू है नारी, स्त्री, विमेन का अपलिफ्टमेंट। पूरी दुनिया इस चीज से जूझ रही है, पूरी दुनिया पॉपुलेशन की प्रॉब्लम से भी जूझ रही है, स्पेशली हमारा मुल्क। इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक कहानी में गूंथ के हमारे डायरेक्टर, हमारे मेकर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहानी को पेश किया है। असल में ये विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, आप समझे, और इसमें मेरा सिर्फ इतना है कि आप समझ लो, आपको लगता है मैं मेन विलन हूँ तो मैं मेन विलन हूँ, लेकिन इन सारी बच्चियों का, जवान जो कुड़िया हैं उनका प्यो हूँ मैं, जो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और हमारे यहाँ देखा गया है कि लगभग ये पूरा संसार ही जो है ना पुरुष का बनाया हुआ है, तो पुरुष की दादागिरी ज़्यादा चलती है। और ऐसा ही नहीं कि एक जगह पे चले, हर डॉक्ट्राइन के अंदर इस तरह बड़े सटल वे में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हमारी फिल्म इसी इशू को, इन्हीं इश्यूज को डील करती है। बिल्कुल अनु जी, अजकल तो मैंस और वीमेंस बोथ आर इक्वल इन एवरी प्रोफेसन, हर प्रोफेसन के नाल नाल किसी भी चीज़ के विच ले लो। तो जो डायरेक्टर ने तुम्हें इस कॉन्सैप्ट बारे दसिया तो वट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन दैट टाइम? कुछ नहीं, अच्छी स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी और मैं अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता हूँ, और सिर्फ कमल चंद्रा के स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं, ऐसी स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम किया है जो बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट थी और मुझे मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन ख़राब हो फिल्म, अच्छी फिल्म हो, डायरेक्टर अच्छा हो, बड़ा हो, छोटा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत डिवोशन के साथ अपना काम निभाने की कोशिश करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि मेरा प्रोड्यूसर और मेरा डायरेक्टर मेरे काम से खुश हो। इंडिया दे विच इस फिल्म नूं लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी जिहड़ी हैगी वो चल रही हैगी, तो इहदे विच किन्नी सच्चाई हैगी है?
हर चीज की रिसर्च की गई है और डॉक्यूमेंटेड है हर चीज। तो इसमें जो भी कुछ दर्शाया गया है, जो भी कुछ बताया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी सिनिकल आदमी ने उठ के कुछ भी कह दिया हो। और कंट्रोवर्सी तो एक ऐसी चीज है कि आप ऐसे क्यों बैठी हैं, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता हूं। और जब से ये सोशल मीडिया आया है, उसके अपने फायदे भी हैं लेकिन उसके अपने कुछ ऐप भी हैं। सोशल मीडिया के फायदे ये कि हर आदमी बात बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, बहुत कम्युनिकेशन का लेवल किसी और उरूज पे पहुंच गया है। और फिर यह है कि जिसको जो मन आता है, ऐसा लगता है कि सदियों से जो भड़ास दिल के अंदर थी वो किसी ना किसी रूप में निकलती है। लेकिन इसका एक ऐब साइड या इसका जो नेगेटिव साइड ये है कि बगैर पढ़े हुए, बगैर जाने हुए आप किताब को अगर बीच से उठा के कमेंट करने लगेंगे, वर्डिक्ट देने लगेंगे, किताब के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जो ये वर्डिक्ट देने वाले जो लोग हैं, इस तरह की धमकियां देने वाले जो लोग हैं, शायद उन्होंने अपने रिलीजन की डॉक्ट्राइन को ठीक से अध्ययन मनन और चिंतन किया ही नहीं है। राइट अनु जी, हुन तो तुहाडी इस फिल्म दे बारे गलबात होगी, जे हुन गल कीती होए तुहाडे करियर दी, यू नो यू आर अ वर्सटाइल परफॉर्मर, तुहाडी जी जर्नी सीगी उह थिएटर तो शुरू हुई सीगी, सो थोड़ा सा अपनी जर्नी बारे दसिए, क्योंकि तुसीं टीवी प्रेजेंटर भी सीगे, रेडियो जॉकी भी सीगे, डायरेक्टर भी हैगे और एक्टर भी हैगे, सो किद्दां स्टार्ट हुई? देखो जी, मजबूरी मैं इस लाइन में आया हूं, मैं मजबूरी में, जी जी, मेरी रीजन इसलिए कि मैं तो एकेडमिक भी मेरी बहुत अच्छा स्टडी थी मेरी, मैं 93% का स्टूडेंट था, बट आई कम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, मेरे माँ बाप गरीब थे, तो मेरे मुझे आगे पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके वो, तो मुझे मजबूरी में आके कभी चाय की दुकान चलानी पड़ी, कभी पटाखे की दुकान चलानी पड़ी, कभी चूरन के नोट बेचने पड़े, कभी लॉटरी के टिकट बेचने पड़े। सो एंड एक पॉइंट के ऊपर जब मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे फादर मदर के पास पैसे नहीं थे, सो मेरे फादर ने कहा, उनकी एक फोक थिएटर कंपनी थी, कि बेटा कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारी फोक थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लो। एंड दैट वाज द डे व्हेन नॉट ओनली आई क्राइड, माय मदर आल्सो क्राइड। माय मदर हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ सोशल ऑस्टिसाइजेशन बिकॉज माय फादर वॉज द ओनर ऑफ ए फोक थिएटर कंपनी। और पंजाबियाँ आए तो जानते हो, कहते मरासी हैं ना, मरासी ना, तो वो सोशल ऑस्टिसाइजेशन जो बहुत झेला है, टॉलरेट किया मेरी मदर ने, देयरफॉर दैट वॉज द रीजन शी वॉन्टेड ऑल ऑफ हर चिल्ड्रन, वी आर थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, टू ज्वाइन फॉर अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन लाइक ए डॉक्टर, लाइक एन इंजीनियर, लाइक एन आर्किटेक्ट, लाइक ए प्रोफेसर। लेकिन वो कहते ना सिनेमा, अज तुस की कर रहे हो, असी थिएटर कर देने, वो तो ठीक है लेकिन कर दे की हो, कर दे की हो। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड हुआ करता था, जमाने के साथ सब कुछ चेंज हो गया है, तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा है इस लाइन में। फिर मेरे बड़े ब्रदर ने कहा कि जब आप आ गए हैं तो इसको ठीक से करो। सो आई गॉट अप्लाइड फॉर द एडमिशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मैं शायद एकमात्र स्टूडेंट होऊंगा जो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन 11वीं पास होने के बावजूद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, ऐसी शायद वाहेगुरु की कुछ वो हो गई। और फिर मैं वहाँ रहा, दिल्ली में 6-7 साल रहा, 1982 में, अभी आप समझ लो कि 29 जून को मुझे 42 ईयर्स हो जाएंगे स्ट्रगल करते हुए, और आई एम स्टिल अ स्ट्रगलर। और मेरे लिए लाइफ ने कोई ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं तू एक्टर ही है, एक्टर होके पैसे नहीं आ रहे तो अच्छा तू ऐसा कर, तो 4 गाने गा दे तो किचन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा आ जाए, अच्छा एक्टर है तो कुछ लिख दे वो ही आ गया, कुछ कर दे कुछ ये आ गया, अच्छा तू रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम कर दे यही आ गया। तो जो भी मुझे मिला, तो हर तरह के पानी में अपना हाथ धोते हुए मैं आपके सामने। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੇਂਜਸ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੋ ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਦੋਂ ਐਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
आर्टिस्ट समझे ही नहीं मैं, ठीक है। दूजी गल जी हैगी, मैं लालची आदमी बंदा नहीं हैगा। हाँ जी, 90% काम मुझे अपने अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं, अपनी मजबूरी में करना पड़ा। नेगेटिव रोल इससे पहले भी किए हैं, लेकिन हमारे 12 का जो भी नेगेटिविटी है, अगर नेगेटिविटी है तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की नेगेटिविटी है। हमारे 12 में आप एंटेगनिस्ट होने के बावजूद परहैप्स मैं नेगेटिव, मैं विलन नहीं लग सकता हूँ आपको, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी की कहानी है हमारे 12 जो अपने रिलीजियस डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है, जो भी उसके रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर जो लिखा हो उसको फॉलो करता है, वो इधर उधर कहीं जाना नहीं चाहता है।